इस वीडियो में मैं आपको स्कूल सर्टिफिकेट अप्लाई करना सिखाने वाला हूं। अगर आपका भी कोई स्कूल सर्टिफिकेट है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका स्कूल सर्टिफिकेट गुम हो चुका है या फिर आपका सर्टिफिकेट ख़राब हो चुका है या फिर अभी तक आपको स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप अब घर बैठे कैसे अपने उस सर्टिफिकेट को अप्लाई करके घर बैठे ही मंगवा पाएंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर दोस्तों आप भी ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सिंपली दोस्तों आपको बता दूं कि आप किसी भी क्लास का सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पर पीएससीबी बोर्ड पर आना होगा। सर्च बॉक्स में पीएससीबी यहां पर सर्च करना होगा। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकंड कॉपी बोर्ड माइग्रेशन इस सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आपको क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन न्यू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये नया इंटरफेस आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपको सर्टिफिकेट ट्रैक करना भी आना चाहिए। उसके लिए आप सिंपली बैक ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे दिखाया गया है कि चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे इसके बाद दोस्तों आपका जो रोल नंबर होगा या रेफरेंस नंबर होगा ऑल पर आप क्लिक करना। यहाँ से आपको बताया गया है मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रेफरेंस नंबर। यहाँ से दोस्तों आपको एक डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्टेटस होगा वो आपका आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट अभी तक बोर्ड से भेजा गया है या फिर अभी तक प्रोसेस में है या फिर अभी भेजा ही नहीं गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली आप बैक चले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर ही क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगी, इसको ओपन करेंगे आप इस बॉक्स को और यहाँ पर इसको आप रीड कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आई एग्री और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी होगी। यहाँ से दोस्तों आपको सेकेंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट यही आपको चूज़ करना होगा। यहां पर दोस्तों आपको फोर्थ नंबर अप ऑप्शन भी अपडेट कर दिया गया है। इसमें दोस्तों आप वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको सेकंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहां पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सेम एज पर रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट सर्विस टाइप चूज करना होगा। यहाँ पर आपको जर्नल और तत्काल दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें अगर आप जर्नल में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 800 रुपये फीस पेड करनी होगी। आपका सर्टिफिकेट वन मंथ के बाद या फिर वन मंथ के पहले आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर तत्काल पर क्लिक करते हैं तो आपको बता दूं कि आपको 2000 रुपये फीस पेड करनी होगी और दोस्तों आपका सर्टिफिकेट वन वीक में आ जाएगा। यानी कि आपको जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए तो आप तत्काल पर क्लिक करेंगे, अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप जर्नल पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको स्टडी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। यहाँ पर जो भी आपका स्टडी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी क्लास रहेगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि 2024 से लेकर यहां पर आप 1969 तक कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपका जितना भी ओल्ड होगा वो यहां से आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेंगे। सिर्फ दोस्तों आपके पास रोल नंबर होना चाहिए और दोस्तों आप रोल नंबर की सहायता से अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको लिखने की लोड नहीं है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट जिसका सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके फादर का नाम, फिर उसकी मदर का नाम। फिर यहाँ पर दोस्तों आप नीचे उसका डेट ऑफ बर्थ सही से फिल कर देंगे जो होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करते हुए जब दोस्तों आप अपना एड्रेस सारा फिल कर लेंगे, लास्ट में आपको पोस्ट ऑफिस लिखना होगा। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर भी लास्ट में लिखना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करते हो कि पोस्ट ऑफिस अपना लिखते नहीं हो, यहाँ पर दोस्तों आपका जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस पर ही जाएगा। जो आपका पोस्ट ऑफिस एड्रेस होगा उस सर्टिफिकेट को आपको वहाँ पर मिलेगा जो आप पोस्ट ऑफिस एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस एड्रेस सही से फिल करना। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट चूज करेंगे, जो भी आपकी स्टेट रहेगी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ से आप चूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पिन कोड फिल कर देना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर सही से आप फिल करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल भी डाल देना है, अगर आपके पास है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आईडी प्रूफ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक आईडी कार्ड, जो भी दोस्तों आप यहाँ से डालना चाहो, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक को आप चूज़ करेंगे। उसके बाद उस आईडी प्रूफ का यहाँ पर नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाकर इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। डीपीआई आपका 300 से लेकर 2 KB में रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली फोटो करेंगे अपने मोबाइल से क्लिक। उसके बाद न्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है JPG2 PDF। यहाँ पर दोस्तों जब आप लिखेंगे, जो आपका फोटो खींचा हुआ होगा आप उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको नीचे एक वेबसाइट दिखाई देगा, Convert to JPG2 PDF। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं JPG2 PDF, इस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे। ये आपको निशान याद रखना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। जो भी कि आपका फोटो होगा उस फोटो को यहां से आप सिलेक्ट करेंगे, डबल को ऐड करेंगे। फिर यहां पर दोस्तों आप देखेंगे Convert to PDF होगा। जब दोस्तों आप देखेंगे ये दोनों लाइनें कंप्लीट होंगी, Convert to PDF पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप Download PDF पर क्लिक करेंगे। जब दोस्तों आप Download PDF पर क्लिक करेंगे, ये आपका PDF डाउनलोड होके आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज, जो आपका 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि 50 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए और 5 KB के नीचे नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाकर एक आपको फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब जब दोस्तों आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली कैलकुलेट फीस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम तत्काल में मंगाने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें फीस देख सकते हो 2000 रुपये पेड करनी पड़ रही है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है HDFC, इस पर दोस्तों आप क्लिक कर लेंगे। कई बार दोस्तों क्या होता है, जब आप मोबाइल पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन को जूम लेस कर लेंगे, यानी कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों इस ऑप्शन पर जाकर आप इस फीस को पेड कर लेंगे। फीस को पेड करने के बाद दोस्तों आप यहीं पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एनकनोलजमेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस स्लिप को डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका ये सर्टिफिकेट घर बैठे आ जाएगा और दोस्तों आप ट्रैक भी यहीं पर कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप हमसे कन्फर्म कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हेल्प मांग सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।